आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त रिजल्ट है। आई होप कि आप लोग रिजल्ट देख के लाइक तो जरूर करेंगे, मुझे आप बहुत ज्यादा यकीन है कि आप लाइक तो करेंगे करेंगे, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो इस तरह मुझे अभी भी अपना फेस कूल कूल फील हो रहा है, उतना तबाही वाला रिजल्ट आया। और ये मेरी गर्मियों की बेस्ट रेमेडी थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आजकल मैं इसी रेमेडी को फॉलो कर रही हूँ। अब तो गर्मियों में आपकी स्किन भी ब्लैक हो चुकी है और फेस पे सनटैन आ रहा है, एक्ने आ रही है, पिंपल्स आ रहे हैं, आप उनकी वजह से परेशान है और आप चाह रहे हैं कि हम जल्दी से कुछ ऐसा अप्लाई करें जिससे हमारा फेस बिल्कुल न्यूट हो जाए और व्हाइट हो जाए। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ऐसी पावरफुल रेमेडी लेकर आई हूँ जिसको यूज करके आप 100% गारंटी के साथ अपने फेस को व्हाइट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो रेमेडी बहुत ही जबरदस्त है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके भी दिखाऊंगी और रेमेडी बनाने का तरीका भी दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी, आप लोगों को रिजल्ट अच्छा लगेगा तो तब आप रेमेडी बनाएगा। तो चलिए फिर, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो काइंडली आपको ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की फैशन एंड ब्यूटी टिप्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है और आप लोगों के लिए इतनी जबरदस्त चीजें लेकर आती हूँ, पहले खुद भी यूज करके फिर आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो फिर लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले। सबसे पहले मैं आप लोगों को रेमेडी अप्लाई करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, अगर आप लोगों को रिजल्ट अच्छा लगे तो फिर वीडियो देख लीजिएगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी दो स्टेप, तो दो स्टेप होंगे इसमें। सबसे पहले हम करेंगे आइस क्यूब की मसाज जिससे हमारे ओपन पोर्स क्लोज हो जाएंगे, फेस पे ग्लो भी आता है और अगर रेडनेस वगैरह हो तो वो भी खत्म हो जाती है, बहुत अच्छा इससे आपको फायदा होगा। तो आइस क्यूब ये देखें, इस तरह से आपने इसकी 2 मिनट मसाज करनी है। अगर तो आपके फेस पे एक्ने वगैरह पिंपल्स बनते हैं तो आप इसमें नीम, आपने सुना होगा नीम के बारे में, वो थोड़ी सी लेके आप नीम तो ये पानी में ऐड करके इसको जमा के तो इस तरह से आइस क्यूब बना के उसकी अगर आप करेंगे क्लींजिंग तो उससे आपके पिंपल्स वगैरह रिमूव हो जाएंगे। तो 2 मिनट आप करेंगे तो आपके ओपन पोर्स क्लोज हो जाएंगे, फेस पे ग्लो आ जाएगा। तो मैं 2 मिनट तक वापस आती हूँ आपके पास। तो ये 2 मिनट हो चुके हैं तो 2 मिनट आपने मसाज करके इसको ऐसे ही छोड़ देना है, बिल्कुल आपने अपने फेस को वॉश नहीं करना। तो अब आपने रेमेडी अप्लाई करनी है, तो रेमेडी बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, अगर आप लोगों को इसका रिजल्ट अच्छा लगे तो फिर बनाने सीख लीजिएगा। अब मैं आपको अप्लाई करके रिजल्ट दिखाती हूँ। तो ये है वो रेमेडी जिसको मैं अप्लाई करके बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती हूँ कि जब मैं इसको वॉश करके अपने फेस को इतना अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी गर्मियों की फर्स्ट रेमेडी है और बहुत ही पावरफुल है, जब आप इसको यूज करेंगे आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा। तो इसको आप फेस पे अप्लाई करना है। तो चले मैं फेस पे अप्लाई करके वापस आती हूँ। मैंने फेस पे रेमेडी अप्लाई कर ली है, तो अब आपको क्या करना है कि आपने भी इसी तरह से अप्लाई करके छोड़ देना है, आपने वेट करना है इसका ड्राई होने का। तो अब मैं फैन के नीचे चली जाती हूँ ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। तो मैं ड्राई करके फिर आप लोगों के पास वापस आती हूँ, कहीं मत भागिएगा अगर आप भी चाहते हैं कि आपका फेस व्हाइट हो जाए। तो जी मेरा फेस पैक जो मैंने अप्लाई किया था वो ड्राई हो चुका है, मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के पास वापस। तो नेक्स्ट अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपली हमें फिर से चाहिए होगा आइस क्यूब। आइस क्यूब हम इसलिए ज्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि गर्मियां तो इसके फेस पे सन टैन हो जाता है, यहाँ हैंड फिट पे भी आ जाता है, तो आप तब इसको यूज करें, वैसे भी करेंगे तो अच्छा है, गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा ठंडी चीजें अच्छी है। तो इसलिए हम आइस क्यूब की मसाज करवाएंगे। तो 5 मिनट आपको मसाज करनी होगी, पहले हमने 2 मिनट की थी लेकिन अब हमें 5 मिनट करनी होगी। तो 5 मिनट में मसाज करके फिर आप लोगों के पास वापस आती हूँ और फिर आप देखिएगा कितना तबाही वाला रिजल्ट आया होगा। तो मैंने 5 मिनट मसाज कर लिया और मेरा फेस बिल्कुल ठंडा हो चुका है, फूल हो चुका है, बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है। तो अब मैं अपने फेस को वॉश करके तो आप लोगों के पास वापस आती हूँ और आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर करती हूँ। तो जी मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के पास वापस। तो आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त रिजल्ट है। आई होप कि आप लोग रिजल्ट देख के लाइक तो जरूर करेंगे, मुझे आप बहुत ज्यादा यकीन है कि आप लाइक तो करेंगे करेंगे, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो इस तरह मुझे अभी भी अपना फेस कूल कूल फील हो रहा है, उतना तबाही वाला रिजल्ट आया। और ये मेरी गर्मियों की बेस्ट रेमेडी थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आजकल मैं इसी रेमेडी को फॉलो कर रही हूँ। अब खुद सोचे कि मैंने इसको एक बार अप्लाई किया और इतनी प्यारी स्किन हो गई है और काफी ज्यादा फेस पे नीटनेस आ चुकी है, व्हाइट हो गई है स्किन। तो जब आप इसको डेली बेसिस पे यूज करेंगे, 1 मंथ आप
डेली यूज करेंगे तो तब कितना जबरदस्त रिजल्ट होगा ना, आप खुद सोचे। तो जरूर इसको यूज कीजिएगा तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए अब हम रेमेडी बना लेते हैं। तो जब हम रेमेडी रेडी कर लेते हैं तो रेमेडी रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए होगी मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए, और गर्मियों में ख़ास तौर के लिए हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है क्योंकि हमारी स्किन को ये फ्रेश कर देती है और फेस पे बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है, स्किन बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सी लगती है। तो एक चम्मच हम यहाँ पे लेंगे मुल्तानी मिट्टी। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें यहाँ पे चाहिए होगी टिब्बा स्नो क्रीम, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस क्रीम है और हज़ारों लोगों ने इसको यूज़ किया, और जिसने भी यूज़ किया इससे फ़ायदा ही पाया है। और मुल्तानी मिट्टी के बारे में भी आप जानते हैं कि काफ़ी अच्छी है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये आपको लेनी होगी हाफ चम्मच टिब्बा स्नो क्रीम। अगर टिब्बा स्नो क्रीम नहीं है तो इसकी जगह आप फेयर एंड लवली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैं ले रही हूँ गोल्डन पर्ल ग्लो सीरम, ठीक है, वाइटनिंग एंड ग्लोइंग सीरम। आप कोई भी वाइटनिंग सीरम यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करता हो, लेकिन मैं यहाँ पे गोल्डन पर्ल यूज़ कर रही हूँ। तो ये आपको चाहिए होंगे दो से तीन ड्रॉप्स ऐड कर देने हैं आपने इसमें। इससे ये होगा कि फेस पे वाइटनिंग भी आएगी, ग्लो भी आएगा, एक्ने वगैरह जो है वो रिमूव हो जाएगी। और उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए होगी एलोवेरा। एलोवेरा जो है वो हमें इतनी लेनी है कि जिसमें मिक्स कर दें, ठीक है। हमने इसमें रोज़ वाटर नहीं ऐड करना, सिर्फ हमने एलोवेरा में ही इसको मिक्स करके इसका पेस्ट बनाना है। तकरीबन आप एक चम्मच डाल लीजिएगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इतना पावरफुल आपका फेस पैक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से हो गया। तो याद रखिए कि आपने जब भी इसको यूज़ करना है आपको फ्रेश ही बनाना होगा। तो इस तरह से ये हमारा फेस पैक जो है रेडी हो गया है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि आपकी स्किन टाइप कोई सी भी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इस रेमेडी को बना के स्टोर नहीं कर सकते, आपने जब भी यूज़ करना है इसको फ्रेश ही बनाना होगा। उसके बाद जी अगर आपके फेस में झुर्रियां वगैरह आ रही हैं, काफी ज्यादा आप एजी रहे तो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपकी इससे झुर्रियां वगैरह भी खत्म हो जाएगी। तो इस रेमेडी को आप अपने हैंड पे, फिट पे, नेक पे, फुल बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे बूढ़ा है, बच्चे हैं, जवान है, कोई भी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। 5 साल का बच्चा भी अगर इसको यूज करना चाह रहा है तो आप कर सकते हैं, इसको भी करवाएंगे। इंशाल्लाह जी आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो यही मेरी आज की छोटी सी मैसेज थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। तो याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।